This call is now recorded. Thank you. चलो चलो चलो, काफी लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं एंड डू लेट देम ज्वाइन. हम शुरू करते हैं बेटा एंड बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ आप लोगों को याद होगा. इफ यू पीपल रिमेम्बर, सीएन कलर से लिखूंगा. चलो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ. सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा बेटा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ. कोई जानता है इसके बारे में, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में? एनी वन ऑफ यू? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है. अरे नहीं नहीं बेटा, ये वाला गुड इवनिंग बेटा. सर ये आज लिंक का क्या इशू हो रहा है? मेरे को तो बहुत लेट समझ में आया. क्या हो गया? कोई नहीं आई थी ना लिंक, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. कोई नहीं बेटा, मैंने तो डाल दी थी. वैसे मेरे ग्रुप में आ गई थी ना, जो जुड़े हो. ठीक है, कोई नहीं बेटा, उसका कोई टेंशन मत लो. सुनो, अब इसको अगर मैं चाहूं ऐसे लिखना, सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू ma. सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स का क्या मतलब है सर? मतलब किसी बॉडी पे, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ बेटा, किसी बॉडी पे मान लो यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स. रिविजन करा रहे हो? हाँ जी बेटा, हाँ जी, आज रिविजन ही करा रहा हूँ क्योंकि 8-10 वोट आ गया था रिविजन को. ठीक है, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ F2, इसको मैं नाम दे देता हूँ F2, इसको F3 एंड इसको F4 एंड द मास इज सेम. अब मैं आपसे पूछूं इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ तो आप कैसे लगाओगे बेटा? इज इक्वल टू ma अगर है तो भी. क्या आप ऐसे ही करोगे? F1 की डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे, F3 की डायरेक्शन नेगेटिव. सिमिलरली F2 की डायरेक्शन पॉजिटिव, F4 की डायरेक्शन नेगेटिव, इज इक्वल टू ma. ऐसे ही करोगे? यस और नो, ये बता दो कोई. Yes. ऐसे ही करोगे, ठीक है. ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ. मैं ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट है. अब जो इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है, वी विल डायरेक्टली जंप टू इट, टेंशन. इसी को निकालने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि टेंशन कैसे फाइंड करें, राइट? ये एक तरह का टेंशन ही है. ऐसा मानो, पहले ये चेक करो, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, दो केसेस बनते हैं इसमें. मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, सपोज दिस इज अ ब्लॉक और ये धागा जो है खींचा हुआ नहीं है. तो अगर इस केस में मैं आपसे टेंशन पूछूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन? कोई जानता है? m ब्रैकेट में g का शेप. ठीक है, देखो ये बेसिक होता है बेटा, इसमें ही आप फंस जाओगे. देखो क्या कैसे बताता हूं, ठीक है. इस केस में अब आप बताओ टेंशन कितना होगा इस टाइम में. चलो देखो, इस केस में टेंशन जीरो है, इस केस में टेंशन टी इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, टी विल नॉट इक्वल टू जीरो होगा. ये दो केस होता है, ठीक है. बेसिक से चलते हैं, एकदम बेसिक से. सर इस केस में आप टेंशन क्यों नहीं लिखे? सुनो बेटा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज देर इज अ थ्रेड, ठीक है. अब ये थ्रेड है, ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है थ्रेड. इसमें टेंशन लग रहा है क्या? ऐसे रख दिया तो मैंने पकड़ लिया, अभी टेंशन लग रहा है नहीं, बट ऐसे कर दिया. अब देखो दिख रहा है क्या आपको? लग रहा है. इस कंडीशन को, फर्स्ट वाले कंडीशन को हमेशा याद रखो. एक वर्ड आपको दिया जाएगा, स्लैक. जब भी क्वेश्चन में देखो स्लैक प्रेजेंट है तो याद रखना टेंशन की वैल्यू जीरो होती है. इसको हम बोलते हैं टैन. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. क्लियर है क्या? डाउट बेटा इसमें तो बता दो. स्लैक बेटा, स्लैक, स्लैक मतलब लूज, और टैंड का मतलब होता है बहुत टाइट. ठीक ठीक है, चलो. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, मासलेस स्ट्रिंग. कोई जानता है मासलेस स्ट्रिंग के बारे में? सर जिसका मास हम जीरो लेते हैं, नेगलेक्ट करते हैं. ओके, तो क्या मासलेस चीज होती है? नहीं बेटा, हम एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन करते हैं कि सपोज मेरा धागा जो है, सपोज मैं समझाता हूँ इसके पीछे की थ्योरी बेटा, एक बहुत लंबा धागा है, ठीक है, उसमें एक छोटू सा बीड है. बीड आप जानते हो? गांठ? गांठ नहीं, एक मोती का टुकड़ा. मोती जानते हो? सर यस सर. मोती का टुकड़ा है, बहुत छोटा सा. एंड आई एम सेइंग कि बेटा इसका लेंथ जो है, इसके लेंथ के मुकाबले इसका मास कितना है? वेरी स्मॉल.
दोनों तरफ से किसी ने इसको खींच रखा है, इस तरफ से कोई इसको खींच रहा है बेटा मान लो, और इस तरफ से कोई इसको खींच रहा है ऐसा मान लो बेटा, ठीक है, दोनों तरफ से इसको लोग खींच रहे हैं। इस तरफ से जो आदमी खींच रहा है ये लगा रहा है टेंशन टी वन, इस तरफ से जो आदमी खींच रहा है ये लगा रहा है टेंशन टी टू। तो और मैं मान लेता हूं ये जो मोती है ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन को, दो लोगों ने खींचा ये वाइब्रेट करते करते किसी एक साइड जा रहा है। फिर बताता हूँ, दो लोगों ने इसको खींचा ये वाइब्रेट करते करते किसी एक साइड जा रहा है। इमेजिन कर पाए बेटा? यस सर। चलो इस केस में मैं अगर बात करूं, टी वन पॉजिटिव साइड है इस तरफ खींच रहा है और टी टू मैं बोल रहा हूँ इसके नेगेटिव खींच रहा है, इज इक्वल टू एम ए, इसके बराबर होगा बेटा। सर ये कैसे लिखा आपने? बेटा मैंने कुछ नहीं किया, इस चीज को हम एक और नाम से जानते हैं, सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस, याद है मैंने भी बताया था सर। बट ये होगा कैसे? मैं मान रहा हूं बेटा, मैं मान रहा हूं ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है। इसके एक काम करता हूं, इसको थोड़ा लिख के दिखाता हूं आपको कैसे आता है और चेंज भी कर देता हूं। इसके राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव। ठीक है, अब मैं बोल देता हूं माइनस टी वन, सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऐसा होगा बेटा, ऐसा हो रहा होगा? यस। सोच लो। हाँ सर। अब बेटा इसका मास जो है बहुत छोटा है, 0.00 समथिंग है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जीरो, जीरो हो जाएगा ना बेटा। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मास जीरो माना सर, मास मैंने बहुत छोटा माना बेटा। सर कितना छोटा? एक मोती का मास या फिर एक पार्टिकल का मास अगर मैं इतना मान रहा हूँ मिलीग्राम, तो मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी ऑटोमेटिक? अगर मेरे पास एक कोई फॉर्मूला है एम ए, तो ये ऑलमोस्ट जीरो मिलेगी। जीरो। ध्यान से सुनना, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट जीरो, मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट जीरो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से टी वन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? और प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि एक मोती है बेटा और दोनों तरफ से दो लोग खींच रहे हैं या बहुत छोटा पार्टिकल है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो T1 और T2 तो सेम ही होगा, उसको पार्टिकल से क्या फर्क पड़ेगा? Yes, ठीक है। तो ये होता है मासलेस स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें पुली का, ठीक है, पुली का कॉन्सेप्ट, ठीक, बहुत गंदा बनाया डब्बा, चलो पुली का कॉन्सेप्ट देखो। ये होता है हमारा एक पुली, ठीक। अब ये रस्सी है एंड अगेन ये एक रस्सी है, यहां पे क्या लगेगा? टेंशन टी। यहां पे क्या लगेगा? टेंशन टी। मैं बोलता हूं यहां पे कोई एक एक्स अमाउंट का फोर्स लग रहा है। अब इस एक्स की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? क्या आप बोलोगे सर दो टेंशन लग रहे हैं इसमें, टी प्लस टी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टू टी आ जाएगी, ठीक है। अब सुनो, ये गलत टेक्निक है इसको समझने की, दिस इज द रॉन्ग वे। अगर मैं अब इस पुली पे सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाऊं, ठीक है, अगर अगर पुली मासलेस होगी तो क्या होगा? इफ पुली इज मासलेस, इफ पुली इज मासलेस क्या होगा बेटा? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? सबमिशन ऑफ जीरो होगा, जीरो होगा। सोच लो, मुझे क्या है, मैं तो लिख ही दूंगा, समेशन टी ही होगा। अच्छा x की वैल्यू कितनी आई अभी, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पूछू तो 2t फ्रूटी लिख दी मैंने, 2t। नाउ इफ पुली इज मासलेस तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? अगर मैं आपसे पूछू, और ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माई ओरिजिन बेटा इस वक्त, ठीक है, ये है ओरिजिन, और ऊपर वाले फोर्सेस को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ और नीचे मैं इसके सबको पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स अब कितना हो जाएगा आप लोग बताओ? जीरो। जीरो। जीरो, पक्का? सर टूटी होगा। सोच लो कैसे लिखना है, पहले तुम लोग ये देख लो। नहीं बेटा, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं आपको टेंशन, हाँ बोलो बेटा सर, दोनों टेंशन पॉजिटिव साइड ही तो आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव, ऊपर भी तो कुछ है देखो सर, टी प्लस टी माइनस टू टी हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं बेटा। चलो आपने बोला, मैं बोलता हूँ टी प्लस टी इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी हो गई?
पुलिस मासलेस जीरो जीरो ठीक है सर, ये क्या हो गया सर, टी प्लस टी कितना हो गया, टू टी पक्का? हाँ सर पक्का, एक काम करता हूँ इसको टी वन दे देता हूँ, इसको टी टू दे देता हूँ, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी वन प्लस टी टू एक्स के बराबर, ठीक है एक सर ऊपर टू मल्टीप्लाई नहीं होगा ना फिर, नहीं फिर टू मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर ये गलत हो जाएगा, टू नहीं आएगा बेटा फिर, ठीक है इस केस में। ठीक एक और केस हम इस पे डिस्कस करते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस, आप लोगों ने भी बहुत ट्राई किया होगा इसको करने का। इसी केस में अब देखना, अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा बेटा, ध्यान से देखते रहो, देखो अब जल्दी जल्दी देखते चलो, ये यहां पे एक तरफ टेंशन लग रहा है टी, एक तरफ टेंशन लग रहा है टी, एंड आई एम सेइंग इस तरफ टेंशन लग रहा है टू टी, या मैं मान लेता हूं टी वन लग रहा है इस तरफ टेंशन। ठीक अब सुनना बहुत ध्यान से, एक्सेलरेशन इस तरफ हो रही है इस मास की या इस सिस्टम की। नाउ अगर मैं सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखू और मैं बोलू दैट दिस पुली इज मासलेस, देन सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स क्या हो जाएगा सर, इसको कैसे लिखें सर? ठीक है थोड़ा हेल्प कर, टी वन के बराबर हो जाएगा पक्का, इस तरफ नेगेटिव ले लो इस तरफ पॉजिटिव ले लो, तो सर ये कुछ ऐसा लगेगा सर हमें, टी वन पॉजिटिव हो गया माइनस टू टी इज इक्वल टू मासलेस है तो जीरो इंटू ए, सो आंसर कम्स अराउंड टी वन इज इक्वल टू टू टी। क्लियर है बेटा, इसमें नहीं फंसोगे ना? यस सर। अभी मैं बेस बना रहा हूँ, एक ही बार झटके से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो डरना मत, आगे चले। यस चलो सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं फिर, हमेशा मासलेस क्यों मान रहे हैं आप? हमेशा मासलेस इसलिए मानते हैं बेटा सो दैट आपका जो इक्वेशन होता है वो सही बैठ जाए। डी एल एम्बर्ट ने ऐसा बोला था कि इफ योर पुली हैव अ मास, अगर मान लो इसके जगह मास हो भी जाता, फॉर एग्जांपल इसके जगह मास हो भी जाता तो भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो 3 kg है तो ये 3a के इक्वल हो गया, दैट्स इट। ठीक है हमेशा अपने मानते हैं, मासलेस वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी बिना मास वाले में भी आ जाऊंगा मैं, कॉन्स्टेंट एक बार खत्म करा के जल्दी से। ठीक अभी भी डाउट है बेटा? नो सर। नो सर चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको गलत करते हैं, और अभी भी मैं पूछ लूं तो आप लोग बोलोगे सर बता तो सही दोगे पर तुम लोगों को जवाब नहीं पता होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी इज देखना बहुत ध्यान से, आपको क्या लगता है अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताऊं, कौन सा इक्वेशन सही है बेटा? फर्स्ट वाला सही है। ठीक है फर्स्ट वाला सही है, ठीक है सर, तो हर केस में थोड़ी होगा, अगर इंक्लाइंड प्लेन होगा तो हमें उसके कंपोनेंट्स करने होंगे, अभी अभी उस पे हम नहीं बात कर रहे हैं, यही होता है बेटा दिस इज द बेसिक, यही आपको जय आराम से फंसा लेगा, द करेक्ट आंसर इज गलत है ये नोट है, मतलब नो ट्रू नॉन ऑफ बस प्रेजेंट या नॉन ऑफ देम आर करेक्ट सर, ये माइनस एम जी आएगा क्या? कोई नहीं अब माइनस ले लो, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनो बेटा एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आपने इक्विलिब्रियम के केसेस पढ़े होंगे, इसमें सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स जीरो होता है, ठीक है जब भी बॉडी रेस्ट पे हो, ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है आपको, जब भी मोशन में हो सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स किसके इक्वल होगा? एमए के इक्वल, ठीक है। लेकिन सर आपने गलत कैसे बोल दिया सर, हम तो यही पढ़ के रखे हैं, तुमने पढ़ा है ना, ठीक है तो जरूरी नहीं है सही हो, ठीक नहीं नहीं सर देखो बेटा मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आज नहीं तो कल आईआईटी इस पे पक्का है गेम खेलेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट का ही है। आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा? यस सर। अगर मैं बोलूं तो क्या मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास, जहां से अगर मैं नॉर्मल और एमजी की वैल्यू चेक करूं तो सेम आएगा?
यस सर। जहां से अगर मैं नॉर्मल और एमजी की वैल्यू चेक करूं तो सेम आएगा, ठीक है, ये सेम आएगा। कहां पे? सिर्फ अराउंड सेंट्रोइड, तभी आप बोल सकते हो एन इज इक्वल टू एम जी। ये जो केस था, अगर कोई बिना आंख का आदमी भी इसे देखेगा तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम लग रहा है बेटा? डी वन और डी टू सेम दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है सेम? नो सर, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपसे सेंट्रोइड पूछे तभी इस इक्वेशन को लिखना एन इज इक्वल टू एम जी। अब ये आता कहां से? हम बोलते हैं सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, n is acting upward, mg is acting downward, is equal to, but ये कहां से हम चेक करते हैं? From where? कहां से बेटा? अभी मैंने बताया किसी भी बॉडी के सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? n mg के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है ये बात बेटा? यस। किसी को इसमें डाउट तो बताओ? नो सर। पक्का? अब मैं कुछ केसेस डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इफ सपोज कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड मोशन में, सेम केस है n इज इक्वल टू mg वाला, ठीक है, अब इंक्लाइंड मोशन पे सर n इज इक्वल टू mg साइन थीटा होगा। अब मैं बता देता हूँ बेटा, n का जो कंपोनेंट होगा वो ऐसे लग रहा होगा, बट दिस टाइम mg ऐसे नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि mg ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ जी जी बोलो बेटा बोलो सर, जो ऊपर एक बार कॉन्सेप्ट बताया तो दोबारा बता दो, मेरा नेटवर्क चला। कोई नहीं, मैं बोलता हूँ एन एम जी के इक्वल हमेशा नहीं होगा, जब भी आप इस पॉइंट को सेंटर पे मानोगे तभी हम बोल सकते हैं दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। जब भी आप सेंट्रोइड का केस लोगे तभी एन एम जी के इक्वल होगा, एन को हमेशा एम जी के इक्वल मत सोचना, ये मैं बोल रहा था बेटा। जब भी आप सेंटर से मेजर करोगे इस ब्लॉक को तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होने के कारण ऊपर लगने वाला एन mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो आपने n माइनस mg करा वो इसलिए करा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है। एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है बेटा, उसको तो मैंने वैसे ही जीरो कर दिया, ये रेस्ट का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो अभी मैंने तो सर माइनस कैसे लेते हैं n माइनस? अच्छा माइनस कैसे लेते हैं बता देता हूं। देखो बेटा अगर हम इसको माने कि आप इस कांसेप्ट को आई थिंक पढ़े हो, इस कांसेप्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है क्या किसी को? अब मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ड्रॉ करूं तो मैं मानता हूं ऊपर होता है प्लस वाई, नीचे होता है माइनस वाई। सर ये ऐसे रेस्ट के केस में ही होगा ना? हाँ ये रेस्ट के केस में ही होगा, अगर मोशन में होती तो n माइनस mg इज इक्वल टू m में होता, ठीक। चलो अब क्लियर है कि बेटा जिसको डाउट था क्यों हमने इसको माइनस में लिया n माइनस mg? ओके चलो ठीक है। अब देखो इस केस में अब हम n is equal to mg नहीं लिख सकते, बट हम इसको तोड़ जरूर सकते हैं। चीज हमने सीखी है वेक्टर्स में दैट वी कैन ब्रेक एनी फोर्स और एनी थिंग इनटू टू कंपोनेंट, जिसके भी साथ एंगल होगा उसको आप क्या बोलोगे? cos, ठीक है। अब ये थीटा और ये थीटा इक्वल होता है, आपको ये बात रट रट के याद हो गया होगा, ठीक है। अब n किसके इक्वल आ गया? mg sin थीटा। cos थीटा या sin थीटा सोच लो सर। sin थीटा cos थीटा के इक्वल cos या sin क्या होता है? cos सर cos cos होता है सर, दोनों ऑपोजिट है तो इसलिए इक्वल इक्वल है। चलो अब मान लो बेटा यहां से कोई खींच रहा था, ठीक है, यहां से कोई आदमी इसको खींच रहा था कि भैया गिरे ना, ये एक फोर्स लगा रहा है। नाउ फोर्स बाय आदमी किसके इक्वल हो जाएगा? किसी को यहाँ तक किसी तरह की डाउट तो बताओ? नो पक्का? चलो अब देखो, अब कुछ केसेस का फ्री बॉडी बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस ही खतरनाक लेते हुए आई विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट कि सपोज कर लेते हैं एक ऐसा सिस्टम है बेटा, सपोज देयर इज अ सिस्टम लाइक दिस। अरे सर फिर से आ गया ये, फिर से नहीं बेटा ये पहले भी वही था, आप थोड़ा इधर उधर हो गए थे, पढ़ते पढ़ते, ठीक है। दिस इज द मास m2, ठीक है, ये है मास m2, यहाँ पे है एक मास m1, ठीक है। अब जिनको भी टेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बहुत ध्यान से देखना, आप सीख लोगे इस चीज को,
हियर द मास इज एम वन, मान लो एक बकेट जैसा कोई मास है एम वन, ठीक। चलो नाउ हियर स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू एफ बी डी ऑफ एम वन, एफ बी डी ऑफ एम वन कैसा बनेगा बेटा? सर एम वन जी नीचे लगेगा और अवे, जो एम वन से अवे टेंशन फोर्स लगेगी। वेरी गुड, एम वन जी ऐसे लगेगा सर, टी ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है? यस और नो? यस सर। ओके चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कैसे लिख दूं इसको, ऐसे बना दूं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट टी इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एम वन जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर मास एम टू, एफ बी डी ऑफ एम टू फॉर एम टू, एम टू के लिए भाई साहब। मैं इसको अलग से नहीं बनाता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। एक नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगा बेटा? एम जी कहाँ एक्ट करेगा? टी कहाँ एक्ट करेगा? ठीक है, इसमें डाउट है तो बताओ किसी को। नो सर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूँ जिससे तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा डर रहता है, और फिर मैं कॉन्स्टेंट में ट्रिक बताऊंगा कैसे, हाउ टू सॉल्व वेरी बिग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, ठीक है? सपोज दिस इज द पुली, ठीक है, एंड सेम है बट अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, दिस इज योर एम टू, और किसी ने ऐसा क्वेश्चन देखा था कि इसके पहले जहां पे नीचे भी हम एक मास सिस्टम ले लेते हैं कुछ ऐसा बेटा, याद आया सर? एचसीवी के कुछ फेमस सवाल याद आ रहे होंगे किसी के दिमाग में, अगर किसी ने लगाए हैं तो। इस तरह का देखा था फोटो? यस सर। हाँ बेटा सर, इसी की टेंशन फोर्स नहीं कैलकुलेट हो पाती। सुनो एफबीडी अगर मैं अब इसका बनाने जाऊं तो बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एफबीडी बनाने जाऊं बेटा, जस्ट लिसन एंड लुक एट वेरी केयरफुली, एफबीडी किसका बनाऊं, M1 का पहले बना दूं? एफबीडी ऑफ M1, देखो बेटा एफबीडी बनाने आएगा तो टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। M1 का एफबीडी कैसे बनाते हैं, अगर मैं आपसे M1 के एफबीडी के बारे में बात करूं, ऊपर क्या लगेगा और अगर मान लो कितना लगेगा बेटा, नीचे क्या लगेगा? सर नीचे तो M1G फिक्स है, M1G लगेगा, ये हम श्योर है, ऊपर क्या लगेगा सर? याद करो इस केस में हम इसकी वैल्यू क्या लेते थे, अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लगती तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 2t आई थी। तो यहाँ पे t और t मिलके क्या बनेंगे बेटा? 2t। पक्का? यस सर। समझ अब समझ आया जिसको नहीं आता था बेटा? हाँ जी बेटा समझा देता हूँ। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे M1G ये जो फोर्स है M1G, इसको कौन रोक के रखा है? तो दो धागे रोक के रखे हैं ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? टी प्लस टी ने M1G को रोक रखा है, ऐसे ही लिखूंगा। हाँ सर ऐसे ही लिखोगे सर। इक्वल टू क्यों? ये बता रहा है बेटा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है तभी ये M1G यहाँ पे रुका हुआ है, नहीं तो नीचे मोशन शुरू कर दे, ठीक है? ओके चलो अब इस केस के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ लगेगा बेटा M2G? नीचे MG। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। यार इस तरफ भी 2T लगेगा ना? नो सर, टी लगेगा। टी लगेगा, ठीक है। एक और केस इसमें बनता है, इसमें तो नहीं, फ्रिक्शन में आपने इसको बहुत जबरदस्त पढ़ा होगा, दो ब्लॉक एक के ऊपर एक, याद है? हाँ, इसका एफबीडी थोड़ा सा परेशान करता है, सो लेट मी जस्ट टेक यू टू अ क्लोजर लुक, इसका एफबीडी थोड़ा दिक्कत देता है बेटा। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, और एक एम वन के ले लेता हूँ। सबसे पहले एफबीडी फॉर एम वन बनाते हैं, एफबीडी फॉर एम वन, किसी को पता है बेटा क्या बनेगा एम वन का एफबीडी? सर नीचे एम वन जी और ऊपर नॉर्मल लगेगा। एम वन जी और ऊपर नॉर्मल लगेगा। हाँ सर इसमें क्या नया क्या लगा सर? नहीं रुक जाओ अभी नया लगेगा बेटा, टेंशन मत लो, मैं इसको नाम देता हूँ N। बट अगर मैं M2 के बारे में बात करूँ सर, वहाँ पे नीचे M1 प्लस M2 ब्रैकेट में जी लग जाएगा सर। सुनो आज बता देता हूँ बेटा, आज तुम लोगों को ये बात बता देता हूँ, यहाँ पे लगेगा
एक नॉर्मल एन टू, ठीक है, इसके वजह से भी तो एक नॉर्मल लग रहा होगा जिसको सबने नेगलेक्ट कर दिया, और एम टू जी तो साथ में लग ही रहा है। मैं एम लिख देता हूँ, खत्म करो बात, एम वन प्लस एम टू। अब सुनो, इसी को समझाना था इसलिए मैंने एग्जाम्पल को लिया बेटा। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर भी बनाया मैंने, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि भाई साहब ये भी इस पे एक फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे एक फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं बोलूं नीचे वाला ब्लॉक एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस पे, तो बेटा एम वन भी तो एक नॉर्मल फोर्स एम वन लगा रहा है ना इस पे, दिख रहा है ब्लॉक को थोड़ा ऊपर ले आया मैं तो, yes, sir. दिखा सबको। और अगर मैं अब एफपीडी बनाऊंगा तो एन टू की डायरेक्शन कहाँ आएगी, अगर मैं इसी को थोड़ा एक्सपैंड करके ऊपर पढ़ना चाहूँ तो ये ऊपर आएगी। एन वन की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इसी को थोड़ा एक्सपैंड करके नीचे पढ़ना चाहूँ नीचे आएगी। जो एन वन होगी वो एम जी वन और M1G के इक्वल होगी। हाँ बेटा वो इक्वल होगी इनके मासेस के, M1 plus M2 भी हो सकता है, कभी M2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने MG लिख के छोड़ दिया है। ठीक, चले अब वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक डील करने से, एक बार दो बार बता दो, एक और बार बता देता हूँ बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक पे इस N2 द्वारा लगाया गया एक नॉर्मल रिएक्ट फोर्स होगा जो आपको ऐसे दिख रहा होगा N2 ऊपर की तरफ। सिमिलरली इस ब्लॉक के द्वारा भी नीचे एक फोर्स लगाया जा रहा होगा जिसको हम बोलेंगे M1, ठीक है। M1 क्या बोलेगी ब्लॉक को, भाई परपेंडिकुलरली तू नीचे आ जा। M2 बोलेगा नहीं भाई तुम ऊपर जाओ। तो ये N2 की जो डायरेक्शन होगी ये अपवर्ड होगी N2, जो ये मास M2 लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। सिमिलरली एक M1 नीचे की तरफ कुछ लगा रहा होगा, दैट विल बी N1, याद रहेगा। अब वन ऑफ द सीरियस टॉपिक जिसे सब डरते हैं, कॉन्स्ट्रेंट। कितने लोग डरते हैं इससे, कॉन्स्ट्रेंट मोशन? यार काफी डरने वाले लोगों की संख्या। ट्रिक से करने में बहुत मजा आता है। हाँ ट्रिक से ही करना है बेटा इसको, इसको अगर करने चले जाओगे लंबे मेथड से तो भाई साहब तब तो फिर तो तबाही हो जाएगा टाइम का। ठीक, निगम कुमार हैज रेज हैंड। ओके ओके ओके, आई थिंक सभी को डर है भाई इससे तो, डर नाम नाम सुने तो। अच्छा वैसा टाइप का डर है इससे मतलब लोगों को, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट इज अ वेरी इजी थिंग, अगर आप इसको समझ गए तो आप इसको बहुत जल्दी बना लोगे, नहीं समझे तो भी बना लोगे। अच्छा नहीं समझे तो कैसे बनाओगे, किसी को पता है? फ्रिक्शन, कमेंट में निगम कुमार हैज लेफ्ट। अरे निगम नहीं तो जवाब दिया था थोड़ी देर पहले, ट्रिक से। चलो बिना ट्रिक के बन गया तो सर डर के चला गया, डर के चला गया, डर से चला गया क्या? यार रुका होता सीख लेता, ठीक है। नहीं आ गया, आ गया, आ गया, चलो भाई आ गया। आपने लेफ्ट कर दिया क्या मुझे? अरे हम काहे लेफ्ट करेंगे बेटा, हम थोड़ी देर डरे हैं, ठीक है, हमको डर लगा सर, लेफ्ट अपने आप हो गया। हाँ वही है बेटा, चलो कोई नहीं। सुनो सुनो, कॉन्स्टेंट को समझने के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस ये सोचना है कि कौन सा इक्वेशन और कौन सा मोशन सही बैठ जाएगा। एक मिनट सर, कौन सा इक्वेशन कौन सा मोशन सही बैठने का मतलब क्या होता है, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। कुछ सर्टेन इक्वेशंस होते हैं जिनको हम डील करते हैं काइनेमेटिक्स में, इन द सेम वे बेटा एनएलएम में भी हम कुछ इक्वेशन डील करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बेटा एक पुली सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे ए वन, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये ब्लॉक लटका हुआ है ये आ रहा है नीचे की तरफ, ये आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन के बीच में इनका रिलेशन, तो आप क्या बताओगे, What will you tell? Anything? आपके दिमाग में? सर, इसका मास ज़्यादा होगा। सर, TA cos 0 degree minus TA cos 180 degree। ओके, तो आप सब मेरे हिसाब से पावर मेथड अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, यही कर रहे हो। This method simply states that जो पावर होगी वो होगी एफ डॉट वी के बराबर। ये नहीं करना है बेटा, डोंट अप्लाई दिस, यूज योर कॉमन सेंस। क्या सर कॉमन सेंस? कॉमन सेंस बेटा,
वो कैसे? सर जो अगर mg minus t equals to m हो जाएगा। अगर मैं सिंपली बोलू बेटा बिना दिमाग लगाए, a1 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस होता है? प्लस वाई एक्सिस। नीचे की तरफ माइनस वाई, तो a1 किसके इक्वल आ गया? माइनस माइनस। पावर मेथड से भी तुम यही लाए होते लास्ट में, है ना? यस, ठीक है। और एक बात मैं बताऊं बेटा, तो जितना a1 ऊपर जा रहा है उतना ही a2 नीचे आ रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं a1 is equal to a2 प्रैक्टिकली, बस देख के बता सकता हूं, मुझे ये सब मेथड वेथड लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन सर अगर हमको इसी से करना है तो लो बेटा इससे भी कर लो, t1 cos 0 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा ये कोई तो बता दो। t1 cos 180 डिग्री, 180 या कम होगा उससे, सोच लो, गलत मत बोलना। सर 180 होगा ना, क्या अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल भैया। चलो कोई नहीं, देखो बेटा पावर मेथड कैसे लगाते हैं सिखा देता हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है सो बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। टी इंटू वी वन कॉस जीरो प्लस टी इंटू वी टू कॉस 180 डिग्री। अब ये 180 क्यों आया बेटा और एक का जीरो क्यों आया, कोई बता सकता है? सर जीरो तो पहले वाले में वो पैरेलल जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रही है उस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है। वेरी गुड, जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रही है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रही है बट एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? नीचे, तो पैरेलल है। ठीक है, अगर इनके बीच का आप एंगल देखो, ये वाला एंगल, तो वी कॉल दिस एंगल एज 180 इन मैथमेटिक्स। 180, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई t1 v1 माइनस t2 v2 इज इक्वल टू जीरो। पावर मेथड में हम ये करते हैं। अब यहां से अगर मैं बोलूं t1 v1 इज इक्वल टू t2 v2 तो यू कैन गोस टू द कंक्लूजन a1 इज इक्वल टू, क्या मैंने इसी चीज को प्रैक्टिकली देख के बता दिया? यस सर, यस। चाहे लिए झूठ-मूठ का कंस्ट्रेंट में मोशन अप्लाई करें। सर अगर ऑप्शन में ये दोनों आ गए a1 is equal to minus a2 या a1 equal to a2 तो हम कौन सा टिक करेंगे, क्योंकि आपने तो बताया दोनों। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अगर आपसे पावर पूछा जा रहा है तो सीधा बोलना a1 is equal to a2, इतना ही पावर लगेगा। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है देन दिस इज द ट्रू थिंग बिकॉज पावर इज ए स्केलर। दोनों केस में यही कैसे सही हो सकता है सर, ऊपर वाला ना? ये बेटा एक्सेलरेशन बता रहा है, सॉरी ये एक्सेलरेशन बता रहा है कि एक ऊपर की तरफ आ रहा है एक नीचे जा रहा है, ये बता रहा है पावर दोनों सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर इज सेम प्रोड्यूस बाय देम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे लोग डरते हैं, जिसको हम करना बहुत पसंद करते हैं। देखो बेटा देखो, चलो ठीक है, अब शुरू होगा असली डर का मंजर। बस है कि और मास लगाते जाओ, जल्दी बोलो सर, लगा दो तो इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो ना तुम लोग, ये तो डिजाइन लग रहा है, डिजाइन लग रहा है बेटा। अभी इस डिजाइन मोर ट्रंक, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ एक ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ एक ब्लॉक, ठीक है। नाउ आपसे पूछ रहा है कॉन्स्ट्रेंट का रिलेशन बताओ, फाइंड द रिलेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। सर कैसे होगा, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, क्या इसका लेंथ एल होगा? हाँ जी सर, इसका लेंथ एल होगा। ऊपर क्या लगेगा सर? टेंशन टी लगेगा, इसका लेंथ एल, ठीक है। यहां से भी एक बना देता हूं मैं, ठीक, और यहाँ पे भी एक मास लटका देता हूँ, ठीक। सिमिलरली यहाँ से भी एक बना देता हूँ, यहाँ से भी मास लटका देता हूँ सर, बस सर। और मास या बस है बेटा, इनफ है सर, बहुत है, इनफ है, लगेगा एक काम। देखो बेटा मैं बताता हूँ, इसका मास है मैं, इसका मास है मैं, इसका मास है मैं, इसका मास है मैं, ठीक है, सबका मास एम है। अब आपसे कोई कॉन्स्टेंट पूछ ले तो दो तरह के लोग होंगे, एक क्या लिखेंगे, L प्लस 2πr, यही किया था आपने, प्लस 2πr, सबको जोड़ोगे बेटा फिर डिफरेंशिएट करोगे, यही किया था? हाँ यही किया था। आई विल से फालतू के काम मत करो, सिर्फ नंबर ऑफ धागे को काउंट करो,
नंबर ऑफ धागे को काउंट करो, मतलब बेटा ये किस वेलोसिटी से नीचे आएगी, ये सिस्टम v1 वेलोसिटी से, ये कंप्लीट सिस्टम किस वेलोसिटी से नीचे आएगी, v2 वेलोसिटी से। मैं आपको बोलूं v1 कितने टाइम्स v2 है, मतलब सुनो बेटा, यहां पे कितने धागे हैं, एक एक, ठीक है मैं लिखूंगा एक v1 is equal to, यहां पे कितने धागे हैं, एक पांच दो तीन चार पांच is equal to 5 v2। कोई मेरे से एक्सेलरेशन पूछ लेगा a1 is equal to 5a2, कोई गलत प्रूफ कर दे इसको। सर हाँ बेटा बोलो। सर मतलब धागे कैसे काउंट करें अपने को दोबारा, धागे कैसे काउंट करें, एक एग्जांपल लेके बताऊं ऐसे बता दो, जल्दी बोलो एग्जांपल लेके बता दो। सुनो बेटा, अगर मुझसे आप पूछोगे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज देयर इज अ पुली सिस्टम लाइक दिस, ठीक, और इसी पुली में एक और ऐसा सपोर्ट निकला हुआ है, एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा और एक मिनी पुली लगा देता हूँ तो और मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा आई थिंक आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे लगता है मास m और यहाँ पे लग जाता है, एक सेकेंड बेटा, ठीक है ये हो गया आपका a which is of 4 kg, ये हो गया b, ठीक। अब सुनो, अब मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है बेटा, सर बहुत टफ क्वेश्चन ले लिया आप जानबूझ के बेटा, ठीक है बहुत टफ क्वेश्चन जानबूझ के लिए। नाउ मेरे को कोई बता सकता है a का रिलेशन कितना आएगा कॉन्स्ट्रेंट का, सर ये लेंथ से शुरू हुआ था सर, आप कहाँ ले गए सर इसको, ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा, अभी भी लेंथ पे ही है, कितना आएगा आंसर ये कोई बता सकता है, एक बार क्वेश्चन को दिखा दो, क्वेश्चन यही है बेटा, क्वेश्चन यही है, बस आपको a का रिलेशन बताना है इस केस में, दोनों एम एम है, एनी वन ऑफ यू 2 मिनट ले लो बेटा ट्राई करो, नहीं तो मैं बताते बताते निकल जाऊंगा तो कल आपको दिक्कत, दोनों का मास एम है, दोनों का मास एम है बेटा, मैंने किसी का भी मास चेंज नहीं किया। सर a1 is equal to 2a2, a1 is equal to 2a2, एक बार और सही करो बेटा, थोड़ा सा देखो कहीं दिक्कत आ रही है, a1 3a2 होगा, a1 3a2, चलो थोड़ा सा और ट्राई करो, 2 मिनट है बेटा, 9:15 पे मैं ही आंसर बताऊंगा, टिल दैट आई वांट कि तुम लोग ट्राई करो, नहीं तो फिर कल फंस जाओगे ट्रिक के चक्कर में, इसलिए मैं ट्रिक कभी बताता नहीं हूँ जल्दी, एग्जाम के लिए एक दिन बचा इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ आया वन कमेंट में, कोई नहीं लिख रहा है यार, मैं कब से देख रहा हूँ कोई तो कमेंट में कुछ लिखे, नहीं सर आप ही बता दीजिए, हम तो बता ही देंगे बेटा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप पहले हमको बताओ, हमको क्या, हमको तो 1 मिनट लगेगा, बट हम चाह रहे हैं कि तुम लोग पहले हमको बताओ, t की वैल्यू 2 टाइम्स m into a आएगी, t की वैल्यू कितनी आ रही है 2 टाइम्स m into a, मुझे नहीं पता सर सही है, दोनों इक्वल नहीं होंगे सर, 4 kg मतलब जो उसका वेट है m का और वो दोनों इक्वल, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा लेकिन आई विल नॉट टेल यू कंप्लीट थिंग, ये mg के इक्वल होगा, ये t के इक्वल होगा क्योंकि अभी एक ही मिनट हुआ है क्वेश्चन देके, अगेन ये mg के इक्वल होगा और यहाँ के लिए t कैलकुलेट कर लो आपको आंसर आ जाएगा। मैं इतना हिंट जरूर देना पसंद करूंगा कि जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन रेशियो में आएगा, g बाई कुछ समथिंग आना चाहिए, आया कुछ सर, g by 3 आया, और किसी का कुछ आंसर बेटा, नहीं यार एक ही मिनट का टाइम मैंने दिया ही था, चलो कोई नहीं मेरे को ही बताना पड़ेगा, कोई कमेंट में कुछ लिख ही नहीं रहा है, चलो हम ही बता देते हैं, कुछ नहीं आया क्या बेटा किसी का, गलत सही बिल्कुल गलत बिल्कुल सही, नहीं सर कुछ हेल्प कर दो इस क्वेश्चन में,
जरूर बेटा, हेल्प तो हम करेंगे ही, पर हम चाह रहे थे आप इसको सुलझाते तो हमें और खुशी की प्राप्ति होती। जी बाय टू या जी बाय थ्री इन लोगों में से। सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला था, देखो मैं फिर से बताता हूं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ यू सी हियर, तो टी माइनस कुछ इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा? टी माइनस एम जी एम टी माइनस एम जी कितना है, जी इज इक्वल टू इक्वल टू टू टी फोर ए। 4a, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसके लिए क्या बनेगा, 2t माइनस एम इज माइनस इक्वल टू एम एम ए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू देखे, किसी ने किया बेटा ऐसे सॉल्व? नहीं सर, ऊपर वाली क्वेश्चन बनाई। इससे करो, अब आंसर आ जाएगा। आया कुछ भी, या तो मैं आगे चलूं? हाँ बेटा कर कर रहे हैं सर। रहे हैं, अच्छा तो तो जल्दी जो करो ऊपर वाले बेटा। क्वेश्चन थे वो भी ऐसे हो सकते हैं इस इक्वेशन बना के। अच्छा अब ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब आप आंसर लाओगे, तो आंसर लाओ बेटा, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप आंसर लाओ। ए निकालना है सर, हाँ बेटा ए निकालना है। बस ए निकाल दो। है किसी का ये भाई? ए निकालना है, टी निकालना। ए बेटा, ए निकालना है, टी क्यों निकालोगे, ए निकाल दो बस। सर 3t/4+m, थ्री टी अपॉन 4+m। सबका ये इक्वेशन आया बेटा, पक्का? यस यस सर। एक बार बोल दो यार, सबके सब सब शांत क्यों हो हाँ गए? कितना आया, 3t/4+m। 4+m या m? 4+m आ रहा है बेटा या m आ रहा है? बेटा दोनों mg तो सेम है ना, इक्वेशन को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया? हेलो ऐड किया दिया ना, नहीं सब्ट्रैक्ट किया। 4-m यार, कोई एक बोले फोर माइनस एम नहीं होगा सर। डॉक्टर के पास जाके तुम लोग बोलोगे कुछ भी कर दिया सर, तो कैसे होगा बेटा, कोई एक बताओ। ऐड किया है सर, ऐड किया, चलो ठीक है, ऐड किया तो और सबका क्या आंसर आया? और सबका कुछ अलग आंसर? मेरा तो -t/4-m आ रहा है। चलो हमको लगा ही था सबका अलग अलग ही आंसर आएगा, 3t/4-m 3t/4-m। चलो सर, टी अपॉन में 4-m, m-4। सुनो बेटा सुनो, इसको कर दो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है? इधर ऐड कर दो सर यही किया है हमने। या सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करके क्या आंसर है और सब्ट्रैक्ट करके क्या है ये बता दो, एक एक करके इंडिविजुअली। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमने तो एलिमिनेशन वाला मेथड लगाया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सर, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड मत सब्ट्रैक्ट करो। करेंगे सुनो सुनो कर लो यार, क्योंकि इसी क्वेश्चन में 4 मिनट चला गया है, एंड इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं आपको कांस्टेंट का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ना। जिस क्योंकि आंसर तो बता दो कौन सा टाइम सही झूठ है। मूठ का वेस्ट हो रहा है बेटा। सुनो देखो, कांस्टेंट को सॉल्व करने के दो टेक्निक होते हैं, लेट मी जस्ट टेक यू वेरी ब्रीफ इन दैट, क्योंकि टाइम अब कम हो रहा है धीरे धीरे। एक टेक्निक तो ये होता है कि देखो बेटा, सॉरी लेट अस सी, कि मान लो एक मास m1 है, ठीक है, या m मास मान लेता हूं, और इसका मास बेटा, इसका भी मास m है, सपोज इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम मास m, ठीक, दोनों का मास m है। एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ये a1 से नीचे आ रहा है, ये a2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब अगर कोई मुझसे इसका कॉन्स्टेंट पूछ ले, इस फाइंड द कॉन्स्टेंट या फाइंड फाइंड कॉन्स्टेंट रिलेशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा यार टोटल टोटल किसके इक्वल होगा, इस धागे का लेंथ है एल, इस धागे का लेंथ है एल, एल एल दिख रहा है आपको,
मैं बोलूंगा एल प्लस एल प्लस टू पाई आर, इसी के इक्वल। सोच के देखो सर, टू पाई आर क्यों लिया? क्यों लिया बेटा? पुली के वजह से लिया। क्या इस पुली का कुछ ना कुछ रेडियस होगा? होगा बेटा। अच्छा ये टोटल क्या था सर? दिस टोटल इज नथिंग बट लेंथ, टोटल लेंथ था बेटा ये। ठीक है एक सेकेंड, दिस वॉज टोटल लेंथ। साथ में बेटा, साथ में अगर मैं आपसे बात करूं, क्या कुछ वेलोसिटी रही होगी इसकी फर्स्ट वाले की? Yes. नीचे की तरफ है तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ है उसको हम क्या लेंगे? Positive. क्या टाइम के साथ रस्सी छोटी या बड़ी होगी? क्या टाइम के साथ रस्सी छोटी या बड़ी होगी? टोटल टोटल क्या रस्सी बेटा जो पुली पे वो बढ़ जाती है क्या या घट जाती है? ऐसा कुछ होता है? सेम ही रहेगी। तो कांस्टेंट चीजों को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आंसर लिखते हैं? जीरो। पक्का? यस। चलो मैंने सबको डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रहा है इसमें। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टाइम के साथ? धागा बड़ा घटा नहीं तो जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो। अच्छा पुली का रेडियस चेंज हो रहा है क्या टाइम के साथ? तो जीरो इज इक्वल टू माइनस डी वी वन बाई डी टी प्लस डी वी टू बाई डी टी के इक्वल आ गया। ठीक है यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? डी वी वन बाई डी टी किसके इक्वल है? सर ये क्या बोला सर आपने? बेटा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। यस सर, प्रूफ इक्वल सर, पर एग्जाम में हम इतने बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सर कैसे करें, कैसे करें सर इसको, कैसे सॉल्व करें? प्रैक्टिकली सोचो बेटा। अगर अब मैं क्या करता हूं इसी पुली में, प्रैक्टिकली सोचना, एक और पुली जोड़ देता हूं और मैं बोलता हूं यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है एंड यहां पे एक मास है। अब मैं बोलता हूं कि ये v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। नाउ अब आप इतना बड़ा मेथड करना चाहोगे या फिर टीबी केबीटी लगाओ, वन इस तरफ एक ही रस्सी है, इस तरफ एक दो तीन, तीन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली रस्सी लिखूंगा पहले, v1 v2 के इक्वल है, कौन ऊपर कौन नीचे? v2 पॉजिटिव साइड में, v1 नेगेटिव साइड में, दिख रहा है आपको? यस सर। कितनी रस्सी है सर? तीन। इस तरफ तीन। सर एक, तो माइनस v1 इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी v2 आएगा, यार गलती कर दी, एक सेकंड। चलो गलती कुछ हुआ नहीं है सबसे, हाँ ठीक है। अब ठीक है क्या बेटा? अच्छा अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो माइनस थ्री डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस वन डी वी वी वन बाई डी टी, कितना आ जाएगा इसका आंसर? माइनस थ्री ए टू इज इक्वल सर वी टू तो पॉजिटिव था ना। Yes, sir, अरे कोई बात नहीं यार, तुम लोग समझ तो गए ना, उसको उस तरफ भी तो यार कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे मैंने इसको किया। सपोज कॉन्स्टेंट से डर तो है ही, अभी भी इतना जल्दी तो नहीं जाएगा। रस्सी गिनने वाला मेथड याद रखो कि मान लो एक दो तीन, ठीक है चलो यहाँ पे एक मास मैंने लगा दिया, ठीक है सॉरी, ठीक एक मास मैंने लगा दिया ऐसे, एक दो दिख रहा है आपको। अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन पूछ लू, ए वन एंड ए टू के बीच का कांस्टेंट रिलेशन, यानी कि ये आ रहा है ए वन से नीचे, ये जा रहा है ए टू से ऊपर, तो पहले मैं कैसे लिखूंगा? ए वन इज इक्वल टू ए टू, कौन ऊपर जा रहा है और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है जल्दी बताओ? ए वन नेगेटिव। चलो ए वन क्या है? नेगेटिव है, ए टू पॉजिटिव। प्लस अब मैं धागा गिनूंगा, इस तरफ कितना धागा है? एक, वन और फाइव। इस तरफ कितना है? फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव, तो इस तरफ लिख दूंगा फाइव, यानी कि ये कितना हो गया? माइनस वन ए वन इज इक्वल टू फाइव ए टू, फाइव ए टू पॉजिटिव।
ठीक है, याद रहेगा बेटा, कांस्टेंट पूछ लेंगे तो। सर व्हाट इफ सपोज वेलोसिटी पूछ ले, माइनस वन वी वन इज इक्वल टू फाइव वी टू, कोई गलत नहीं बोल सकता है, ठीक है। अब आप पावर मेथड से भी कर लो, आपको मन है तो, जिस मेथड से मन है उस मेथड से। हाँ बेटा, अब आप कोई बोल रहा था, बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, नो सर, ऐसा किसने सर बोला था तो आई थिंक मेरे को रुकना लगा। चलो, और किसी को कोई डाउट बेटा इस मेथड में? सर वो घुमाओ वाली रस्सी थी, उसको भी इस मेथड से बताना। बेटा वो 2 पाई आर ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है, अभी डिफरेंशिएट करते वक्त मैंने बताया था, याद है? यस, देखो जीरो हो ही गई थी वो 2 पाई आर वाली, क्योंकि रेडियस नहीं बदल रहा है। अगर रेडियस बदलता तो फिर गेम चेंज हो जाता, देन यू कैन नॉट। ये वाली नहीं जो आपने निकाली थी, जो उससे ऊपर पहले वाला था, मैनिपुली वाला था उसमें। ये थोड़ा सा अलग केस था बेटा, इस ये कांस्टेंट का केस नहीं था। मैंने आपको A1 A2 पूछा है, सिर्फ A पूछा, ये बताओ। सिर्फ क्या पूछा? A पूछा, सिर्फ A पूछा। अब अगर मैंने सिर्फ A पूछा, थोड़ा सा लंबा क्लास को ले लूं बेटा, अगर आप अलाउ करो तो, सारा डाउट आपका खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है? सुनो सुनो, फिर से और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन, ताकि कांस्टेंट आपको कल के एग्जाम में गलती ना हो। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करो कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस नहीं है तो, ठीक है, इस केस पे भी मैं बात कर लेता हूँ, कोई नहीं, देखो इस केस पे भी जरूर बात करेंगे, देखो, ठीक है, चलो देखो। सपोज सपोज एक और कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको जरूर बताऊंगा, यही लेंथ वाला, जिन बच्चों को नहीं समझ में अब समझ आ जाएगा, कि सपोज देयर इज अ पुली, ऐसे ही पुली है बेटा, और एक तरफ जो है, एक तरफ धागा का लेंथ है x, ठीक है, एंड दिस इज मास समथिंग कॉल्ड एज a, एक तरफ धागे का मास है बेटा b, I will call this as b। अब ये vb से नीचे आ रहा है, सर ये मेथड यूज कर सकते हैं बोर्ड, अरे बोर्ड एग्जाम है मत करना ये मेथड, ठीक है, बोर्ड में नंबर कट जाएंगे, बोर्ड तो चला गया सर, ये तो चैप्टर आएगा नहीं बोर्ड में, चलो इसको नहीं कर सकते हो, ये मैं ट्रिक आपको जेई के लिए बता रहा हूँ बेटा, और स्पेसिफिकली आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। सर कौन सा बोर्ड में आना है चैप्टर? हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं, देखो बेटा अब मैं आपको पूछूं तो क्या x प्लस y मिलके टोटल लेंथ बनाएंगे स्ट्रिंग का? अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस y मिलके टोटल लेंथ बनाएंगे, सर वो जो उसके ऊपर ओवरलैप होगा बेटा वो भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। हाँ बेटा बोलो। मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा dx by dt plus dy by dt is equal to l। हाँ सर ये एल हो जाएगा बेटा, x को हम पोजिशन वेक्टर भी बोलते हुए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी ए इस मास के लिए माइनस प्लस ऑफ वी बी इज इक्वल टू एल, ये लिख सकते हैं सर, ये तो ऊपर जा रहा है तो सर पॉजिटिव आएगा ना बी ए तो। हाँ कोई नहीं, बी ए को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को भी ले लो, आपकी मर्जी बेटा, आप बोल रहे हो तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। अच्छा क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज होगी टाइम के साथ? नहीं। तो वी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? किसके इक्वल आ गया? A, B. B के इक्वल। जो एग्जांपल अभी मैं करा दे रहा हूं, इसके बाद HCV में भी कुछ नहीं बचेगा, देखते रहो। ये फर्स्ट केस हुआ, एक केस में और डिस्कस करूंगा जो अभी मैंने दिया था, जिसमें आप पूछ रहे थे क्या सर ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे। देखो एक बच्ची ने आई थिंक पूछा भी था, किसने पूछा था मुझे आइडिया नहीं, अभी किसी बच्ची ने पूछा था। चलो ठीक है बेटा, आप ध्यान से अब देखते रहो, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया यार, चलो कोई नहीं। अब देखो यहां से मैंने एक ब्लॉक ऐसे लटका दिया, ठीक, विच इज ऑफ द मास बी, ये मैं मान रहा हूं ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज चेंज इन द क्वेश्चन, ये वी बी ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां से एक वाई जो है बेटा, यहां से एक मास है, सपोज दिस इज द मास, ठीक है, एम ए मान लेता हूं इस मास को, ये वी ए से नीचे आ रहा है। आपसे पूछ लिया गया कॉन्स्टेंट का रिलेशन इस क्वेश्चन में, बेटा मैं इसको एक्स बोल दूंगा, इसको एक्स बोल दूंगा, इसको
वाई बोल दूंगा। अब लेंथ कितना हो जाएगा अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं, एक्स प्लस बाई थ्री, ठीक है टू पाई आर मैं नहीं ले रहा हूँ, टाइम वेस्ट है, तो एल कितना हो गया टू एक्स प्लस वाई के। अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा बेटा, डीएल बाई डी टी टाइम के साथ रस्सी बदलेगा नहीं, तो जीरो इज इक्वल टू टू। अब आप बताओ कौन सा नीचे आ रहा है कौन सा ऊपर जा रहा है, इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको क्या मान लूंगा, सॉरी खाली वी आएगा, टू लिख दिया गलती से वी ए, तो वी ए किसके इक्वल आ गया बेटा, अब सुनो अब यहाँ से ए ए किसके इक्वल आ गया टू ए बी के आ गया क्या, यस सॉल्व। अब सुनो अब यहाँ पे लगाओ टीबी केबीटी, इतना लंबा मेथड नहीं किया जाता है कॉन्स्टेंट में, टीबी केबीटी धागा गिनो बेटा, इस तरफ कितने एक्स के धागे हैं, दो, दो। तो मैं लिखता हूँ बहुत आराम से, मैं लिखता हूँ बेटा दो धागे हैं हमारे पास एक्स के, यानी कि एक्स के साथ कौन जुड़ा है वी बी, इस और उस तरफ कितना धागा है एक, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक इंटू वी ए, गलत है या सही है आप बता दो, अब सही है, यू कैन अप्लाई टीबी केबीटी एनी वेयर, और सबसे बड़ी बात इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धागे गिनना सीख पा रहे हो सर, हर जगह तो ये नहीं काम करेगा सर, अगर मान लो, अगर मान लो मैं एक खतरनाक सा केस लाता हूँ, इससे टफ क्वेश्चन बेटा बनेगा नहीं, ठीक है वैसे बनाने को तो कुछ भी बन जाएगा, बट आइडियली देखा जाए तो अभी आप भी समझ जाओगे कि यार मतलब ये अंत है, ठीक है ये देखो, अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर लेना इसको, मैं उतना अच्छे से तो नहीं बना पाया बट I tried my best. देखो बेटा, सपोज मैं बोल रहा हूं इस तरफ जा रहा है ये वेलोसिटी VA से, और ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है बेटा, ठीक ये नीचे आ रहा है B से, यानी कि VB से। देखो इतना जल्दी ये मेथड नहीं समझ में आएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहना निरंतर, आपको सारे क्वेश्चन में मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप इसको सीख पाओगे। धागा गिनो बेटा, कौन सा नीचे आ रहा है कौन सा साइड आ रहा है, अब इसमें सर प्लस माइनस कैसे लें, सच बताऊं कोई खास मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का, अगर मैं सिर्फ धागे गिनने वाले टेक्निक पे भरोसा करूं, सिर्फ धागे गिनने वाले टेक्निक पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर बताओ, सिर्फ धागा गिनो सर, इस तरफ कितना धागा है सर एक, इस तरफ सर एक ये टोटल हो गया दो, तो वीए के साथ दो। बेटा अगर कोई इसको गलती कर देगा, बोल देगा कि ये इसकी इक्वेशन नहीं आएगी, सो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। देखो सर कैसे सही हो गया, वेरी सिंपल बेटा, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, यही होगी, तो ये कितना हो गया टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, जो बहुत टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है टू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इसके इक्वल। अब ये डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एक्स के बारे में बात करूं तो ये वी ए हो गया, ये वी बी हो गया, अब माइनस प्लस कौन होगा ये आप आराम से देख सकते हो, जिसको माइनस जिसको प्लस लेना है आपकी मर्जी है, मैं बोलूंगा वी बी को माइनस ले लो, इस तरफ आ जाएगा जीरो, तो इस मेथड से भी आंसर सेम आ रहा है बेटा, सेम ही तो आ गया ना, ठीक है। अब एक और सर, ये सब तो ठीक है सर, और किस तरह का क्वेश्चन इस पे बन सकता है, तो बेटा बनाने में तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बट एक और क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगा, सॉरी एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगा, जो आपने देखा भी होगा आई थिंक कहीं ना कहीं, इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पुली लगा है, ठीक यहीं से ये धागा जा रहा है ऐसे, देखा है क्वेश्चन बेटा, किसी ने तो देखा ही होगा, नहीं नहीं देखा, नहीं कोई बात नहीं बेटा, आज देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे एक मास लगा दिया मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा और आसान करते हैं इस कड़ी को, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, इसको थोड़ा और मैं आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक
कि यहाँ पे एक और लगा दिया मैंने मास, और एक ब्लॉक मैसेज छोटा सा लटका देता हूँ, ठीक है, अब मजा आएगा। और देखो बेटा इस धागे को मैं यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, कैसा लग रहा है ये? विचित्र है काफी, विचित्र है, ठीक है। ये है V2 बेटा, ठीक है, ये है V1। भाई ऐसे केसेस में अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, बट आपका इस सारे केसेस में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, आपको ऐसे सारे केसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब टोटल लेंथ कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस ए, अच्छा इस तरफ वैल्यू क्या आएगी, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस ए। बेटा ए इज अ कॉन्स्टेंट और अ वेरिएबल, अगर कॉन्स्टेंट, अगर ये मास नीचे आ भी जाए तो क्या ये ए में आने वाली रस्सी कम ज्यादा होगी? अगर नहीं, कल को ये मास नीचे आ भी जाए तो क्या ए में आने वाली रस्सी कम ज्यादा होगी? कभी नहीं होगी बेटा, कभी नहीं होगी। तो सर अगर कभी नहीं होगी तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा सॉल्यूशन आपके सामने है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो रस्सी चेंज नहीं होगी, ये हो गया 2va प्लस vb प्लस 0। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं तो एक एक को किसी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो v2 को नेगेटिव ले लो, यानी कि मैं बोल देता हूं 2va माइनस vb इज इक्वल टू 0। तो यहां v2va किसके इक्वल आ गया? vb। अब सुनो बेटा, जब भी आपको x या y की जगह एक कांस्टेंट दिखे तब भी tb kbt काम करेगा, कांस्टेंट को छोड़ दो। कितने धागे हैं इसके पास, a के पास, जल्दी बताओ? दो, यानी कि मैं बोलता हूँ वी ए के साथ दो है, वी बी के साथ एक ही है, तो ये सेम आ गया बेटा 2va = vb। ये मेथड आपको कभी धोखा नहीं देगा, टीबी केबीटी नेवर फेल्स। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे ए बी सी कांस्टेंट है या नहीं, इसमें किसी को डाउट? नो सर। सर हाँ बेटा बोलो। नहीं, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ इस पे जो जनरली पूछा जाता है, एंड दैट इज लास्ट, आफ्टर दैट वी विल एंड द क्लास, ताकि आप थोड़ा पढ़ो भी। देखो आपको बोला जाएगा सीढ़ी, आप लोगों ने देखी है बेटा सर सीढ़ी? सीढ़ी कभी कभी ऐसा होता है सीढ़ी गिरने लगता है दीवार से सर? यस यस सर होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीढ़ी का गिरने का कॉन्स्टेंट बताओ दीवार के रेस्पेक्ट में, मतलब आप किस दीवार पे? एओडी में पढ़ा हमने। हाँ एओडी में आपको बताया जाता है इस चीज को, अगर आपको याद हो तो, ये जेई का एक टाइम का मैथ्स का प्रीवियस ईयर भी है, इफ यू पीपल रिमेम्बर, ये मैथ्स का प्रीवियस ईयर भी आपका रह चुका है, ठीक है। ये एंगल को मैं बोलता हूँ 37 डिग्री, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा एक्स, इसको मैं बोल दूंगा वाई। अब जितने रफ्तार से सीढ़ी नीचे गिरेगा क्या उतने ही रफ्तार से सीढ़ी का पैर आगे जाएगा? यस सर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ए वी वन और वी टू का रिलेशन फाइंड करना है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क V1 और V2 का कांस्टेंट बता दो, रिलेशन तो कैसे करोगे, या VA और VB जो भी है, और कैसे करोगे सर? 37 डिग्री है तो इसमें वो निकल आता है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई की, क्या बेटा VA cos 37 डिग्री, VA cos 37 डिग्री, कितने लोगों को ये लग रहा है? मेरे को तो यार यहाँ पे ना पाइथागोरस जैसा कुछ दिख भी रहेगी, अगर मैं चाहूंगा तो ये डिस्टेंस जो है इसको मैं आर लेके सॉल्व भी कर सकता हूँ, निकाल सकते हैं, या मैं इसको बोल देता हूँ आर ही क्यों बोलूं, लेंथ ऑफ द सीढ़ी बोल देता हूँ, सीढ़ी की लंबाई, क्या ही गलत बोलूंगा। तो लेंथ ऑफ सीढ़ी किसके इक्वल आएगी, ये इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? हाँ बेटा वेरी गुड, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरफ क्या आ जाएगा? जीरो। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2dx/dt 2dy/dt। हाँ बेटा कुछ डाउट है क्या किसी को? 2x आएगा, यही बोल रहे हो आप? यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा आपने बता दिया है, ठीक है चलो, ये वाला नहीं तो चलो एनीवेज आगे चलते हैं बेटा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो dx/dt को मैं क्या बोलूंगा? va। और dy/dt को? vb। सर दोनों को तो आप यही बोलोगे बेटा, 2 कॉमन दिख रहा है। Yes, yeah.
तो कितना आ जाएगा x ऑफ वी बी इज इक्वल टू या मान लो x ऑफ वी ए इज इक्वल टू माइनस बाय, ठीक है, कोई एक को माइनस ले लेना, अब जो भी आपको लगे मैंने इस तरफ भेज दिया, क्या यही रिलेशन आया बेटा इसमें? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं VB by VA कितना आएगा तो क्या बताओगे? VB by VA क्या आएगा? X upon Y या Y upon X? Y upon और y by x होता है tan 37 डिग्री, इसे निकाल दोगे? सर y ऊपर क्यों आएगा? कोई नहीं भाई, x upon y नहीं, ठीक है कोई नहीं, x upon y का एंगल कितना बनेगा ये बता दो ऊपर से देख के, x by y किसका एंगल बन रहा है? ये एंगल 90 डिग्री हो गया, 53 बन रहा है पक्का, 3 डिग्री। इसमें sin थीटा कितना बनेगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही बनेगा। परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे? एल ऑफ सी डी, क्या आपके पास एल ऑफ सी डी है? नहीं, मैं समझता हूँ। अगर मैं टैन थीटा के बारे में बात करूं तो कितना बन जाएगा ये? x upon y तो cot theta बनेगा, base upon y। कोई कोई बात नहीं, अभी tan theta तो बताओ कितना बनेगा? y upon x by x। If I change, अगर मैं इसको x by y form में लिखता हूँ तो 1 upon tan theta कितना होता है? cot theta। cot theta। cot theta। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? cot theta से। और अगर tan theta से वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितनी आ जाएगी? y by y। याद रहेगा दोनों ऑब्जर्वेशन? Yes. पक्का? यस, ठीक है, चलो। किसी को अभी भी ट्रायंगल की एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स रहती है ना? किसके लिए बेटा? 37 डिग्री पर 53 डिग्री पर। हाँ, 3/4।